पसीना आना रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है जो हमारे शरीर के टेम्परेचर को नॉर्मल बनाए रखता है और इसके लिए बेहद जरूरी है कि पसीना आए। लेकिन अगर मौसम हो सर्दियों का और कपकपाती हुई ठंड हो और ऐसे में आपको पसीना आ रहा है तो भाई बात गंभीर है, सोचने वाली बात है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हाइपर हाइड्रोसिस की। तो आइए डॉक्टर चौहान से जानते हैं कि आखिरकार क्यों ठंड के मौसम में भी आता है पसीना और क्या है इस बीमारी का इलाज। डॉक्टर साहब, ये सोचने वाली बात है, क्या ऐसा भी मुमकिन है जब इतनी सर्दी का टाइम है, इतना सर्द मौसम है, हथेलियों में और पैरों के तलवे में पसीना आ रहा है? पसीना बहुत ज्यादा आ रहा होता है और ऐसे लगता है जैसे पानी उसमें पानी में गीला हो रखा है आपके हथेली। कई लोगों के तो सॉक्स गीले हो जाते हैं पूरे। तो ये वास्तव में होता है और ये रोग जो है जिसको कहते हैं हाइपर हाइड्रोसिस, ये उस रोग के लक्षण है। समझने वाली बात ये कि थोड़ा सा इसका डिफरेंस है। आमतौर पर पसीना सभी को आता है, वो पसीने आना कोई बीमारी नहीं है, एक नॉर्मल प्रोसेस है। लेकिन कुछ स्थानों पर ज्यादा पसीना जिन लोगों को आए, हथेली पर, तलवों पर या आपके आर्म पिट्स में ज्यादा पसीना आता है और एक्सेसिव आता है, तो उसको फिर ये हाइपर हाइड्रोसिस का नाम दिया जाता है। रोग को समझने की जरूरत है। आयुर्वेद की दृष्टि से अगर हम समझें इसका कारण, तो कारण जो है मुख्य रूप से इसका दो ही कारण हम कहेंगे। एक तो गर्मी शरीर में बहुत ज्यादा हो जाती है, हीट ज्यादा, जिसको कि पित्त बोलते हैं। पित्त यदि अधिक होगा हमारे शरीर में तो उसके वजह से ये प्रॉब्लम होती है। दूसरा, कभी कभार ये भी देखा जाता है कि बहुत ज्यादा टेंशन हो, स्ट्रेस हो, नर्वस जो लोग होते हैं उनको भी पसीना एकदम से आ जाता है। तो थोड़ा सा बात का इन्वॉल्वमेंट भी है। खान पान में अगर देखा जाए तो जो लोग बहुत ज्यादा पित्तवर्धक भोजन का सेवन करते हैं, बहुत ज्यादा चाय, कॉफी, मिर्ची, मसाले, अचार, खटाई, ऐसी चीजों का सेवन करते हैं, उनको ये रोग ज्यादा देखने को मिलता है। बहुत ज्यादा आपका जो है चिंतन का काम है या मोटापे की वजह से भी कुछ लोगों में देखा गया है। मोटापा यदि आपको है, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, उसके कारण भी दूसरी दवाइयों के सेवन से भी कभी कभार इसका हमने कनेक्शन देखा है कि कुछ दवाइयां आप खा रहे हैं रेगुलर काफी समय से, गर्म दवाइयां हैं, बहुत ज्यादा गर्मी आपके शरीर में कर रही है, तो उसकी वजह से भी ये रोग हो सकता है। अहमदाबाद से राहुल जोशी हैं, स्वागत है आपका, अपना सवाल करें। नमस्कार। नमस्कार जी। सर मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे जैसे गर्मी पड़ जा रही ज्यादा जी, तो जैसे मैं कोई हिलने दुलने की हरकत सी करता हूँ तो मेरे शरीर में सर इचिंग होने लगती है बॉडी पे। अच्छा, थोड़ी मतलब कोई एक्सरसाइज वगैरह करते हैं उससे? हाँ, जैसे मैं कुछ हिलने डुलने का काम करता हूँ। अच्छा, तो चलने फिरने का फिजिकल वर्क जो करते हैं, जैसे कोई छेड़ देता है जब जी, तो देखिए इसमें थोड़ा सा मुझे ये लगता है कि गर्मी का लक्षण तो है, जैसे कि आपने गर्मी के साथ इसका रिलेशन बताया है, तो गर्म चीज थोड़ी कम खाएं आप, ज्यादा मिर्च अचार वगैरह ना खाएं और थोड़ा सा कूलिंग चीजें शुरू कर दीजिए खाना। उसमें अगर नारियल पानी आपको मिले तो वो बहुत अच्छा है। और सबसे सिंपल रहेगा कि नारियल के तेल से पूरी बॉडी में आप मालिश करें। ये थोड़ा एक महीना आप इसको प्रयोग करके और फिर उसके बाद दोबारा कॉल करके हमें बताइए कि कैसा लगा आपको, या किस प्रकार से कुछ आराम उसमें आया कि नहीं आया। अगर उसके बाद कोई आवश्यकता होगी तो फिर उसका फर्दर हम उपचार जरूर करेंगे। आज हम बात कर रहे हैं हाइपर हाइड्रोसिस की। आइए डॉक्टर साहब से जानते हैं कि क्या ये बीमारी जेनेटिक है। डॉक्टर साहब, कई सारी बीमारियां जेनेटिक होती है, क्या ये जेनेटिक है? देखिए, जेनेटिक इसको नहीं कहा जाएगा। जैसा कि हमने कहा कि पित्त की वृद्धि से होती है आमतौर पर जो लोग बहुत ज्यादा गर्म चीजें खाते हैं। लेकिन कभी कभार मैंने देखा है छोटे बच्चे में ये रोग हो जाएगा। अभी 12-13 साल का लड़का है, उसको मैंने देखा कि ये रोग हो गया। तो कहीं कहीं पर फिर हम उसका जब हिस्ट्री लेते हैं तो कहीं मिलता है कि हाँ, परिवार में किसी को रोग है, माता पिता के साइड में किसी को है, माता पिता या उनसे जो रिलेटेड लोग हैं उनमें कहीं रोग है। तो कहीं थोड़ा बहुत एक संकेत मिलता है। 100% हम नहीं कहेंगे कि टोटल एक जेनेटिक या हेरिडिटरी बीमारी है, लेकिन कभी कभार एक ट्रेंड फैमिली में मिलता है। तो इस प्रकार से मैं ये कहना चाहूंगा कि 100% ये हेरिडिटरी नहीं है। ये आमतौर पर पित्त की वृद्धि से रोग होता है, लेकिन कभी कभी कुछ परसेंट लोगों में इसका कनेक्शन पारिवारिक भी देखा जाता है। ग्वालियर से सत्यजीत जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका, अपना सवाल करें। जी नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर देखिए, मेरी उम्र लगभग 24 साल की है जी। मेरी शादी के 2 साल हो चुके हैं जी। ठीक है जी। आज से करीबन 6 महीने के मतलब साल भर तक मैं ठीक रहा, लेकिन अब क्या है कि शरीर में अचानक से कमजोरी सी बढ़ गई और हाथों पैरों में मतलब सांस जल्दी था। जैसे मॉर्निंग वॉक करता रहता हूँ तो ठीक है, अगर छोड़ देता हूँ तो मतलब वही प्रॉब्लम, थकावट बहुत जल्दी हो जाती है शरीर में जी।
देखिए शादी के पश्चात जो है शरीर में हमें हमेशा हम पहले भी बताते हैं आयुर्वेद में तो बल्कि इसका बड़ा अच्छा डिस्क्रिप्शन है, शादी के पश्चात हमें कुछ ऐसी चीजों का सेवन जरूर करना चाहिए जो हमारे शरीर के धातुओं को पुष्ट रखे, क्योंकि शुक्र धातु का क्षय होता है और शुक्र धातु वर्धन के लिए कई बार हम काम नहीं करते, तो उसके लिए खजूर, किशमिश और बादाम तीन चीजें बहुत अच्छी हैं। इनका सेवन नियमित रूप से दूध के साथ आप करें तो उससे आपको कमजोरी नहीं रहेगी, किसी प्रकार की आपको जो है वीकनेस नहीं होगी। दूसरी चीज बहुत इम्पोर्टेंट है कि गर्म चीजें ना खाएं ज्यादा, और विशेष तौर पर मैं कहता हूँ बार बार तम्बाकू, स्मोकिंग, अल्कोहल बिल्कुल 100% बंद कर दें। किसी भी व्यक्ति को ये चीजें सेवन नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। न केवल शादीशुदा की बात कर रहा हूँ, जो कुंवारे हैं वो भी ना लें क्योंकि ये हमारे शरीर में अनेक प्रकार के रोग पैदा करती है, लेकिन विशेष तौर पर जो लोग शादीशुदा हैं और जिनको कमजोरी महसूस होती है तो डेफिनेटली आपको देखना है कहाँ पर कमी है, क्या चीज बदली आपने शादी के बाद, ऐसी क्या चीज बदल गई है या क्या चीज आपने जो ऐसी नई शुरू की है, तो उसको समझने की कोशिश है और समझने के बाद ही जो है उसका उपचार है। तो ये जो नुस्खा मैंने बताया इसका प्रयोग करिए, और जैसा कि मैं आपको कहता हूँ हमेशा कि नुस्खा सेवन करने के एक महीने के बाद हमें जरूर बताइए आपको क्या फर्क पड़ा उसे, ऐसे उसको बैठे मत रहिए, अगर फर्क नहीं पड़ रहा है तो डॉक्टर से जरूर बात करिए। हाइपरहाइड्रोसिस को हम कैसे पहचाने, क्या है इसके लक्षण, आइए जानते हैं। डॉक्टर साहब सिम्टम्स की बात करें, क्या है इसके सिम्टम्स? लक्षण देखिए इसके मुख्य रूप से तो एक ही लक्षण है इसमें कि पसीना बहुत ज्यादा आता है, हथेली आप किसी का हाथ मिलाओ तो आपको लगेगा हाथ इसका गीला है, वास्तव में वो उसने पानी में गीला नहीं किया, वो उसमें पसीने इतने आ रहे हैं, पानी की तरह टपकता है बिल्कुल जो पसीना, और तलवों में पूरा पसीना आएगा, उसके सॉक्स पूरे जैसे गीले हो जाते हैं, उसको बार बार चेंज करना पड़ता है, या आर्मपिट्स में बहुत पसीना आ रहा है, कभी देखते हैं किसी लोगों के शर्ट आप देखेंगे पूरी गीली हो रखी है वहां से, तो ये मुख्य लक्षण है। इसके साथ कभी कभार ऐसा भी देखने को मिलता है कि थोड़ा रेडनेस वहां हो जाती है, थोड़ी खुजली भी होने लगती है, इस तरह के भी कभी रेयरली लक्षण होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से वहां पर जो स्वेटिंग या पसीना आने का जो लक्षण है वही इसका एक अहम लक्षण रोग का है। डॉक्टर साहब क्या इसमें ऐसा भी होता है कि माथे पर भी बहुत पसीना आता है, क्योंकि कई बार मैंने कई लोगों को देखा है कि सर्दियों का मौसम भी होता है तो माथे पर बहुत पसीना होता है? जनरली माथे पर नहीं आता है, जनरली हथेली, तलवे और आर्मपिट्स में, माथे पर अगर पसीना किसी पर आ रहा है तो वो किसी और वजह से हो सकता है, हालांकि कारण उसमें भी पित्त ही माना जाता है आयुर्वेद में, लेकिन इस रोग की हम जो चर्चा करें तो आम तौर पर कुछ मुख्य स्थानों पर जो हमने बताए वहीं पर पसीना यदि है तो उसको हम इस रोग के अंडर लेते हैं। गाजियाबाद से पंकज जोगे हैं, स्वागत है आपका, अपना सवाल करें। हेलो जी बताइए। हाँ जी नमस्कार सर। नमस्कार जी। हाँ जी मेरी मदर है सर, एक्चुअली उनके सर्दियों में सर उंगलियों में हाथ की उंगलियों और पैरों की उंगलियों में सूजन आ जाता है। अच्छा, तो सर इसके लिए क्या करना चाहिए हमें? अभी उम्र कितनी है उनकी? उनकी एज है करीब 38 है। हाँ जी। देखो अभी ये इस उम्र का रोग तो नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो ओल्ड एज में होता है, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस तो थोड़ा सा हल्दी का सेवन कराइए उनको, हल्दी दूध में डाल करके रोज रात को सेवन करें तो उससे फर्क पड़ेगा। तिल के तेल की मालिश जरूर करें हाथों पैरों में उंगलियों में विशेष तौर पर, और दिन में एक बार कभी भी जब टाइम मिले गुनगुने पानी में नमक डाल करके हाथों को पैरों को उसमें थोड़ी देर रखें, तो इससे थोड़ा सा सर्कुलेशन अच्छा होगा, कोई टॉक्सिन अगर वहां जम गए तो वो थोड़े से वहां से मूव होंगे, दूसरी जगह पर जाएंगे, शरीर में बाहर निकलेंगे, और फिर भी कोई दिक्कत रहती है तो जरूर आप कॉन्टेक्ट करिए, और जैसा कि आपको बताया जाता है कि नुस्खे जो आप प्रयोग करते हो, हमारे जो उपचार हम आपको बताते हैं, इनका रिपोर्ट जरूर बताइए हमें कि आपने क्या महसूस किया, कितना फर्क पड़ा या नहीं पड़ा या बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा, तो वो जरूर हमें बताइए ताकि आगे का स्टेप हम आपको समझा सकें। इसी के साथ बारी आ गई है आज की संजीवनी की, आइए अब डॉक्टर साहब से आज की संजीवनी में जानते हैं हाइपरहाइड्रोसिस से बचने के लिए बेहद खास और कारगर नुस्खे, तो डॉक्टर साहब क्या है नुस्खे? देखिए सबसे पहले पित्त को कम करना है आपने, तो पित्त को कम करने के लिए आप पानी जरूर पिए, 2-3 लीटर पानी पिए, और टाइम मिले तो दिन में 2 बार तो स्नान करना चाहिए, सुबह शाम अच्छी तरह से स्नान करें तो हीट बॉडी की बाहर निकलती है, पित्त उससे कम होता है। नारियल के तेल से जेंटल मसाज करें हथेली पर, पैरों पर या पूरे शरीर पर, उससे भी काफी फर्क पड़ता है। 1 चम्मच आंवला पाउडर जो है 1 गिलास पानी में रात को भिगो दें, सुबह इसको आराम से आप थोड़ा हिला करके पूरा पी जाएं, या इससे थोड़ा लेप भी लगा सकते हैं, आंवले का लेप लगाएं, उससे भी फर्क पड़ेगा। और
गेहूं के ज्वारे जो होते हैं वीट ग्रास का जूस पिए, उससे फर्क पड़ता है। टमाटर का जूस भी बहुत अच्छा काम करता है। टमाटर के अंदर कुछ ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो इस रोग में फायदा करते हैं, तो टमाटर का जूस पिए आप रोज एक गिलास भर के। और आलू तो सबके घर में होता ही है, आलू को काट करके और उससे थोड़ा इस पर मसाज करें अपनी हथेलियों पर, पैरों पर, उससे भी आपको थोड़ा बहुत इससे फर्क पड़ेगा। इंदौर से दर्शक जुड़ गए हैं, सूरज जी स्वागत है आपका, अपना सवाल करें। जी नमस्ते सर। नमस्कार जी। जी मैं आपको बताना चाहूंगा सर, मेरे को सबसे पहले तो एक बड़ी टेंशन जो होने लगती है, मतलब पहले मैं किसी से बात करता हूँ, कोई भी मेरे से सीनियर है या मतलब मैं उससे पहली बार मिला हूँ, और दूसरी बात मैं अपना फ्यूचर को लेकर बड़ी टेंशन में रहता हूँ कि मेरे फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं होगा। मतलब मैं तैयारी कर रहा हूँ बीटेक की, तो पता नहीं इंजीनियर बन पाऊंगा नहीं बन पाऊंगा, इसके बारे में सोचता रहता हूँ। मतलब 24 आवर्स में मेरे 23 आवर्स तो ऐसे चले जाते हैं सोचने में। देखिए, अगर आप सोचते रहोगे तो कुछ कर नहीं पाओगे। आपको एक बहुत मैं सिंपल सी चीज बता दूं, ये जो नेगेटिविटी ऑफ माइंड है आपकी, या एक तरह से नर्वसनेस इसको कहें, एंजाइटी कहें, किसी से बात करने में थोड़ा घबराहट होती है, किसी आदमी से आप पहली बार मिलते हैं तो वहाँ थोड़ा सा आपको झिझक होती है, तो ये माइंड की कमजोरी है। आयुर्वेद में कहते हैं कि मन जो है आपका वो स्ट्रांग नहीं है, आपको उसको स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। और मन को स्ट्रांग बनाने के लिए बहुत सिंपल सी टेक्निक्स हैं। अगर आप गहरी सांसें लें, डीप ब्रीदिंग जिसको हम कहते हैं, थोड़ा सा शवासन करें, कुछ समय के लिए अपने मन को किसी चीज पर केंद्रित करें, कोई मंत्र जप करें, कोई आप जो है ओम की ध्वनि करें, मेडिटेशन जिसको कहते हैं, उससे बहुत फर्क पड़ता है। साथ में सात्विक भोजन आपको खाना चाहिए, ऐसी चीजें जंक वंक ना खाएं, बहुत ज्यादा जो है गंदी चीजें जो आजकल बाजार में मिलती हैं, जिसको कि प्रोसेस्ड फूड हम बोलते हैं, उसका सेवन ना करें। हरी सब्जियां, फल फ्रूट ये ज्यादा खाएं। और एक बढ़िया सा नुस्खा भी आपको बताता हूँ, उससे बहुत आपको फर्क पड़ेगा। बादाम, अखरोट ये जो है आप पीस करके दूध में उबाल करके इनको खाइए, इससे आराम आए। चलिए डॉक्टर साहब से ये जानते हैं कि अगर हमें ये बीमारी हो गई है तो ऐसे में इस बीमारी से छुटकारा पाने के लिए जो उपाय बताए हैं उसके अलावा कौन सी सावधानियां और परहेज हैं जिनका हमें ख्याल रखना चाहिए, डॉक्टर साहब कौन से डूज एंड डोंट्स हैं? मुख्य रूप से पित्त को हमें नहीं बढ़ने देना। अगर आपको ये रोग है तो गर्म चीजें, मिर्ची, अचार, खटाई, चटनी, नॉनवेज, अल्कोहल, स्मोकिंग, चाय, कॉफी बिल्कुल 100% बंद कर दीजिए। और दूसरी चीज, आपको अपने मन को भी थोड़ा सा प्रसन्न रखना है। कभी कभार जब बहुत इरिटेशन होती है, गुस्सा जिसको व्यक्ति को ज्यादा आता है, बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन जिसमें होता है, उसके अंदर भी हीट बढ़ जाती है, तो हीट को, गर्मी को हमें अपने शरीर में नहीं बढ़ने देना है किसी भी कारण। हैदराबाद से निशांत जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका, अपना सवाल करें। हाँ जी, हेलो जी, नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार जी। सर मैं बताना चाहूंगा, मुझे नजले की काफी दिक्कत रहती है सर, हर महीने जुकाम जाता नहीं है, वो मलगम टाइप जमा रहता है। अच्छा, बड़ी परेशानी होती है सर। तो कब से हो रहा है नजला भैया आपको? हेलो निशान जी। हेलो। नजला कितना पुराना हो गया सर? ये कम से कम 5-6 महीने हो गए सर। 5-6 महीने। और इसमें नाक बंद रहती है, नाक पानी भी देता है? अगर मैं कुछ भी दवाई के तौर पे ले लेता हूँ तो मैं नाक बंद हो जाती है। अच्छा। और वैसे पहले मुझे छींके आने लग जाती है। अच्छा, देखो एक तो इसमें जो है नाक के अंदर देसी घी आप लगाइए, देसी घी डाल भी सकते हैं, थोड़ा सा उसको पिघला करके, या सरसों का तेल उसमें डालिए, तो ये एक इससे आपको अंदर की जो परत है नाक की उसमें कुछ ताकत भी आएगी, नाक भी आपकी खुलेगी। दूसरा, कफ वर्धक चीजें बिल्कुल मत खाइए, मिठाइयां, दूध से बनी चीजें, बहुत ज्यादा जो तली चीजें, ठंडी चीजें, इनको बिल्कुल बंद कर दीजिए। और बड़ा सिंपल सा एक उपचार मैं आपको बता रहा हूँ, सौंठ, काली मिर्च और दालचीनी, तीन चीजें लेनी है, सौंठ, काली मिर्च, दालचीनी, तीनों को बराबर बराबर पीस करके मिक्सचर बना करके, इस मिक्सचर में से एक एक चम्मच सुबह शाम आपको गुनगुने पानी से लेना है। 1 महीना पूरा इसको सेवन करिए, उसके पश्चात हमें फोन करके जरूर बताइए कि क्या रहा आपका, किस तरह की तबीयत आपकी रही, क्योंकि उसके बाद फॉलोअप जो करके आपको जो आगे का जो स्टेप है वो भी बहुत जरूरी है। संजीवनी टिप्स के जिसमें आज डॉक्टर साहब आपको बताने वाले हैं कड़ी पत्ता की ढेर सारी खूबियां, आइए जानते हैं डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, कड़ी पत्ता की अगर हम बात करें, इसकी खूबियों की बात करें, तो एक तो मुझे भी पता है कि इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है, और जब कड़ी में डाला जाता है तो स्वाद बढ़ जाता है। बिल्कुल, देखिए कड़ी में भी डालते हैं, सब्जी में भी डाल सकते हैं, और कई तरह की दाल में भी आप डाल सकते हैं, बहुत गुणकारी है। और इसके कुछ औषधीय प्रयोग भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे बढ़िया इसका जो है हेयर लॉस में बड़ा अच्छा काम करता है, जिन लोगों के बाल गिरते हैं, करी पत्ता का पेस्ट बना करके थोड़ा बालों पर लेप करें, उसमें थोड़ा आंवला मिला करके लेप करेंगे तो और भी फायदा मिलेगा आपको। और अगर बाल सफेद भी हो रहे हैं आपके, तो
तो करी पत्ता का जूस निकाल लें या करी पत्ता का पेस्ट बना लें, थोड़े से मेहंदी के पत्ते भी ताजे लेकर के उसका पेस्ट बना लें और इसको तेल में डाल करके पकाएं। तो ये तेल आप रेगुलरली बालों में लगाएंगे, उससे आपको रिलीफ मिलेगा। करी पत्ता जो है कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करता है, जो लोग कोलेस्ट्रॉल से पीड़ित है वो करी पत्ता किसी भी रूप में सेवन करें, और डायबिटीज के पेशेंट भी इसका सेवन कर सकते हैं। सुबह जो है खाली पेट 6-7 पत्ते आप सुबह ऐसे चबा करके खा जाएं तो उससे आपको काफी फर्क पड़ेगा। और इसके अतिरिक्त डायरिया कभी हो किसी को तो करी पत्ता का जूस निकाल लीजिए 20 या 30 मिलीलीटर, और दिन में 2-3 बार उसका सेवन करने से लूज मोशन से डायरिया में भी आपको काफी फर्क पड़ता है।